आप यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रेगुलर टू ईयर पेपर है पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स, जो ऑप्शन टू पेपर आपने सेलेक्ट करते हुए बीएड में जब पेडागॉजी की मेजर एंड माइनर करते हैं, यहाँ पर मेजर माइनर खत्म हो जाता है, तो ये पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का है। पेपर 1.1 एंड पेपर 1.2 यही लिखा होगा, लेकिन ये ऑप्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्रीकल्चर था, सेकेंड आपका कॉमर्स था, और थर्ड आ गया आपका, ये थर्ड ऑप्शन है पेपर में ऐसे लिखी होगी, कंप्यूटर साइंस। हो सकता है ए फॉर एग्रीकल्चर है, सी फॉर कॉमर्स है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, अल्फाबेटिकली ये अरेंज किए हों आपके, ये पॉसिबल है। तो ये आपका 50 मार्क्स का है, 40 एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल की बात करेंगे, कंटेंट 10 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव वही हैं जो कंटेंट हमने पढ़ना है, उसके आगे आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वर्ड जोड़ लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फर्स्ट है यूनिट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 8 मार्क्स का ये बन रहा है, 8 मार्क्स का ये बन रहा है, और ये इंट्रोडक्टरी होगा ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग, तो ये बन गया 8 मार्क्स का, टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटिंग 8 मार्क्स का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना, इस पर क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं अधिक, तो ये सिंपल है कंप्यूटर वालों के लिए। फर्स्ट यूनिट इस मीन्स के पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंटेंट का रखा है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस, नेचर एंड नेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये हो गया एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का बन रहा है। मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये हो गए, नेचर में ही ऐड हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स, फैक्ट्स, जनरलाइजेशन अबाउट कंप्यूटर साइंस, सिंपल है। स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस, रिलेशन विद अदर साइंसेज एंड इट्स यूजेस इन डे टू डे लाइफ, यहाँ पर थोड़ा सा वेग रह गया। स्कोप एक 8 मार्क्स का बन रहा है, लेकिन रिलेशन विद अदर साइंसेज है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंसेज हो सकती है, सोशल साइंसेज जैसे होगी हिस्ट्री हो गई, है ना, ज्योग्राफी के साथ हो सकता है आपका, इकोनॉमिक्स के साथ हो सकता है आपका, जो संबंध है इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस, ये सोशल साइंसेस है। दूसरी साइंसेस जो अदर साइंस हैं वो मैथ्स हो गया, है ना, नेचुरल साइंस के साथ हो सकता है, यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा, नेचुरल साइंसेस हो सकता है उसमें, बायो टेक्नोलॉजी और बायो सच केमिस्ट्री फिजिक्स ये आ जाती हैं। तो ये पेपर बताएगा यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डे टू डे लाइफ में यूजेस हैं, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। मैं मेन वर्ड जो जिस पर फोकस करना है वो कर रहा हूँ, यहाँ पर रिलेशन आ गया, वहाँ पर यूजेस आ गया। रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, करना कुछ है कि नहीं है वो क्लास में जाकर आपको करना होगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर सेम है, एम्स ब्रॉडर जो होते हैं उसको नैरो डाउन कर लो, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो टीचिंग ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट लेवल, लेवल क्या हो गया कि हायर लेवल, है ना, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, हाँ एलिमेंट्री लेवल पर हो सकते हैं, सेकेंडरी लेवल पर हो सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो सकते हैं, ये डिफरेंट लेवल्स, इसका ये मतलब है। इट मींस कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए एम्स की बात हो रही है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बात होती रहेगी, जो भी आएगा ये कॉमन होगा। ये रहा बिहेवियरल ब्लूम की टैक्सोनॉमी, है ना, उसकी टैक्सोनॉमी में ऐसे 6 लेवल हैं। ये इमेज ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है मेरे ख्याल में, है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं अच्छी दिखाई देती, इधर से देख ले, ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं, कोई नहीं ठीक, चलो। तो कॉग्निटिव डोमेन है ऐसे अफेक्टिव, है ना, इमोशनल जो है, साइकोमोटर डूइंग वाली है, ये कॉग्निटिव थिंकिंग वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली, उसके 6 लेवल है ब्लूम ने बनाए हुए, दोबारा वो एंडरसन ने रिवाइज किए हैं, ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये है ना, ये नीचे भी है रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग नॉलेज बेस्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जो वर्ड्स जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान करते हो, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ाना है ना, वायरस पढ़ाना है क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि करते हो कि ऑब्जेक्टिव बनाते हो, वर्ड जो एक्शन वर्ब है ब्लूम ने दिए उनमें से यूज करने होते हैं, जैसे डिस्क्राइब, डिफाइन, टेल, है ना, रिलेट, ये लोएस्ट लेवल है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, डिस्कस, है ना, एक्सप्लेन, प्रैक्टिस, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यूज, इलुस्ट्रेट, कंप्लीट, है ना, सॉल्व, ये एप्लीकेबल लेवल है।
तो ऐसे एनालाइज लेवल कंपेयर करना है ना, कैटेगराइज करना जो है, इवेल्युएशन लेवल है, डिसीजन लेना, डिसाइड लेना, जस्टिफाई करना, क्रिएट करना, क्रिएट करना, इमेजिन है ना, प्लान बनाने नए, तो ये वर्ड जो हैं यूज़ करने हैं आपने, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बना देने हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, लर्नर विल बी एबल टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन डेमोस्ट्रेटिंग द एबिलिटी टू परफॉर्म डाटाबेस, ऐसे है थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द वायरस है ना, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनलिस्ट द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है ना, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब एग्जाम्पल्स, ऐसे करके जो वर्ड वो एक्शन यूज करना है जो बिहेवियरल होता है उसको करके ये करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस और कैटेगरी जो बन जाती हैं, एक एक जो पार्ट लेते हैं, ये कंटेंट की डिवीजन कर लेते हैं, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आगे स्पेसिफिकेशन होती रहेगी, लेकिन ये इसको एग्जाम्पल मत लेना, जब कंटेंट पढ़ेंगे तब वो एग्जाम्पल देके टीच करेंगे पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल मैथड टेक्निक्स एंड प्लानिंग फॉर टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीम टीचिंग, वेरी गुड, के दो तीन जाने जो एक्सपर्ट हैं वो इकट्ठे, जिसको हम कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कह देते हैं, और कई बार इसको इंटीग्रेटेड टीचिंग की एक अप्रोच भी कह देते हैं है ना। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ाना है तो एक एरिया का टीचर है, दूसरे एरिया का, तीसरे एरिया का, वो तीन जने मिलके साथ में पढ़ाते हैं। लेक्चर वन वे प्रोसेस है, आप सिंबल्स फेंकते हो, जैसे मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, इसको लोएस्ट लेवल कहा जाता है क्योंकि वन वे प्रोसेस है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती, जहाँ क्वेश्चन आंसर टू वे प्रोसेस है वह उसको बेस्ट मेथड कहा जाता है, इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है। डेमोस्ट्रेशन भी वन वे मेथड है क्योंकि आप देखते हो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चनिंग आंसरिंग इंक्लूड की जाती है तो थोड़ा बेटर हो जाती है डेमोस्ट्रेशन। इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल से आपने बच्चों को सामने पहले एग्जाम्पल्स रखनी हैं, एग्जाम्पल के बाद उनको एनालाइज करने को कहना है, उनको सिमिलैरिटी डिफरेंसेस करने को कहना है, फिर वो अपना जनरल कंक्लूजन बनाते हैं। डिडक्टिव मेथड बिल्कुल इसके उल्ट है, जिसको टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं, पहले परिभाषा करवाते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल पर आते हैं, तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इकट्ठे कैसे यूज हो सकते हैं ये पढ़ना है आपने। सिंथेटिक एंड एनालिटिकल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेमिनार, स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेट में आता है, जो जिस पर जोर ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली दिया जाता है, ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और डिस्कशन, इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज है ना, वेब बेस्ड लर्निंग ये भी आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीधा बन रहा है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, दोनों में डिफरेंस लर्न करना है, थोड़े टेक्निकल आ गए हैं, इसको आप कहोगे सर इसको समझा दो। टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन में क्या होते हैं आइडियाज, आइडियाज, स्टॉर्मिंग क्या होते हैं तूफान, तो आइडियाज को बच्चों के मन में से निकालना है, किसी टॉपिक पर, किसी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन मांगने हैं, जितने वो दे सकते हैं, कोई रुकावट, जजमेंट, एवेल्युएशन, नेगेटिव रिमार्क्स नहीं उनको देना, आने देना, आने देना है। तो जब कितने विचार आ जाते आते आते थक जाते हैं ना, तूफान जब थम जाता है फिर उसको इवेल्युएट करना है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसलिए ये बताया है कि टीईटी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और राइट आंसर होता है। बज सेशन है ना, बज सेशन से डर नहीं जाना, बज सेशन कुछ नहीं है, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल वर्ड ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप और डिस्कशन साथ में है, डिस्कशन से क्या होता है, डिस्कशन से भी आइडियाज निकलते हैं, आइडियाज किसके लिए, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ठीक है। सो स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में कितने बच्चे हो सकते हैं, स्मॉल कितना है, दो तो ग्रुप होंगे, दो जने होंगे ना, हम तीन रख सकते हैं, स्मॉल ग्रुप में दो तीन अधिक से अधिक चार,
जने होते हैं वो डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन किस लिए करते हैं कि नए नए आइडियाज़ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ढूंढ सकें। सिमुलेशन असली जैसा नकली एनवायरनमेंट बना के टीच करना, सिंपोजियम गोष्ठी जैसे सिद्ध गोष्ठ है ना, गुरु नानक देव जी ने भी की थी, बस आप अपने ओपिनियन बताते हो, इसमें डूइंग कुछ नहीं है, क्वेश्चनिंग आंसर भी होता है, लेकिन अपने ओपिनियन जो है, आपका ओपिनियन राइट और रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल इलॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपका ओपिनियन है। टीम टीचिंग है, ये पीछे भी बात करके आए हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स इकट्ठे टीच करते हैं, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंस, ये क्वेश्चन शायद रेपिटेशन है। सेशनल वर्क डिज़ाइन, कवर पेज ऑफ मैगजीन बुक एट्सेट्रा मिनिमम 5 डिज़ाइंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मिनिमम 10 स्लाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं, ये देखिए मुझे भी पढ़ाना पड़ता है, स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, तो आप लर्न कीजिए, आप उसके बारे में पढ़ो नहीं, आप कंप्यूटर पर बैठो, स्लाइड शेयर खोलो और PPT बनाओ, कैसे उसको इफेक्टिव बनाना है, कैसे कलर करने हैं, कैसे बैकग्राउंड सेट करनी है, है ना, कैसे वर्ड को इतना बड़ा या छोटा रखना है कि क्लासरूम में वो दिखाई दें, एक स्लाइड पर कितने वर्ड्स रखने हैं, क्या अकेले वर्ड्स रखने हैं, पिक्चर रखनी है, मूवी भी रखनी है, मूवी क्लिप रखनी है, वो चलती होनी चाहिए, वो क्लास में चल जाए, ये आपका स्किल इन टीचिंग 4th में होगा, उसमें आपने ये यूज़ करना है, तो ये सभी बातें ज़रूरी हैं। मैं भी एक बना दूंगा कि PPT बनाते कैसे बनानी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपकी बुक्स हैं जो सुजेस्टेड हैं, यहाँ पर एक बुक होगी मेरे ख्याल में डॉक्टर अरजिंदर सिंह की बुक होगी, वो नहीं है पंजाब में, की सबसे पहली बुक पंजाब में वही आई थी, यहाँ पर नहीं है, तो वो बुक आप ले सकते हो SG पब्लिशर से, यहाँ पर मैं आपको एड्रेस भी दे दूँगा, बुक्स सभी वहाँ से आपको अवेलेबल होगी मटेरियल, बाकी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, आप वहाँ बुक के बिना भी कर सकते हो। क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन क्या है इसके, ये रहा देखिए पेपर 3, यहाँ पर लिखा है कोई सब्जेक्ट कोड एग्ज़ाम BEd 2022 सेमेस्टर कंप्यूटर, वही ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाते हैं, ये रहा, चलो भैया चलो ऊपर, हाँ हाँ ये देखा पेपर 1 एग्रीकल्चर था, दूसरा ऑप्शन था कॉमर्स, तीसरा हो गया कंप्यूटर साइंस, ये ऑप्शन 3 है, ऑल मीडियम है, 3 घंटे का है, 40 मार्क्स हैं, दो क्वेश्चन सर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आए हैं, आपने एक करना है और लास्ट यूनिट कंपलसरी होगा। फर्स्ट है डिफाइन कंप्यूटर बाय गिविंग द लीस्ट 3 डेफिनेशन, इट मींस डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटिंग, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटिंग, सेकंड यूनिट है डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आल्सो डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन अबाउट कंप्यूटर साइंस, जो वहाँ लिखा है वहीं लिखा है, उसके आगे डिस्कस शब्द लिख दिया, एक्सप्लेन इन डिटेल एक शब्द लिख दिया है, रोल ऑफ ICT इन डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला, ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायर लेवल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, लोएस्ट लेवल वाले क्वेश्चन है। 3 यूनिट है डिस्कस द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन कंप्यूटर साइंस, 8 मार्क्स का है उसका, दूसरे यूनिट इसका यूनिट में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, गिव एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म ऑफ एनी टॉपिक कंप्यूटर साइंस, एक क्वेश्चन ये डाला है थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली 90-80% जो है कॉग्निटिव आती है, कॉग्निटिव है ना, तो ये बाकी जो है साइकोमोटर 20% और दूसरी मिला के आती है, कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये डाली हुई है, गुड। डिस्कस द इन डिटेल द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक्सप्लेन द डिटेल टेक्निक ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड सिमुलेशन इन कंप्यूटर साइंस, यूनिट 5 है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपने सॉफ्टवेयर यूज इन कंप्यूटर, स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, 4 × 2 ये 8 हो गए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं, ये हिंदी में भी देख सकते हो, ये सेम है, उसकी ट्रांसलेशन है, पढ़ सकते हो, हौसला बना रहता है, लेकिन आपको चाहिए अगर आप ट्रांजिशन फेज पर हैं, आपको पंजाबी या हिंदी से इंग्लिश मीडियम की तरफ जाना चाहिए, है ना, इसमें किसी भी भाषा की बेइज्जती या सत्कार नहीं होता, दिस हमें भाषा सीखनी ही चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, थैंक यू।